Welcome back, guys, for some more Grand Theft Auto 5. Okay, so steal and deliver a work store van. So basically, मैं बता दूँ कि ये थोड़ी बीच से चालू हो जा रही है वीडियो. मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया था इस वजह से. सो लास्ट वीडियो में हमने हाइस्ट को जो है केस किया था, केसिंग द ज्वेल स्टोर जॉब. सो अप्रोच हो गया डिसाइड कि भाई स्मार्ट अप्रोच करेंगे ना कि लाउड. सो उसके लिए जो है हमें ये बक्स्टर वैन चाहिए और बीजेड ग्रेनेड चाहिए, स्मोक ग्रेनेड, बेसिकली नॉकआउट गैस, जिससे हम ज्वेल स्टोर के अंदर सबको बेहोश कर देंगे. ओके, तो यहाँ ऊपर तो छत से कोई रास्ता है नहीं, तो आई गेस हमें नीचे से ही ये बक्स्टर वाली वैन जो है वो चुरानी पड़ेगी. तो चलो चले. तो भाई इसको तो हम साइलेंट टेक डाउन करेंगे, साइलेंट टेक डाउन, एकदम साइलेंट, कोई भी आवाज नहीं करनी है. ओह भाई, कतई चूतिया था ये तो. अगर ऐसे कोई मेरे पीछे होता तो भाई मैं उसको तो एक चपेट देता. खैर कोई नहीं. ओह, ये तो गाड़ी के नीचे भी आ गया यार. ओके, बंद हो जा दरवाज़ा. ओके, बंद हो गया. सो बक्स्टर वैन के अलावा एक बीजेड ग्रेनेड जो नॉकआउट गैस है वो भी चुरानी है हमें. सो मैं सोच रहा हूँ कि ये और वो दोनों ही मैं एक ही वीडियो में दे दूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला इन दोनों चीज़ों को करने में इस वजह से. तो यार 1.25 माइल्स, गारमेंट फैक्ट्री पे जाकर हमें इस वैन को डिलीवर करना है. तो यार जो लोग चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो. करेंटली जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आई मीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ और उसके बाद अपलोड करूँगा, तो मेरे सब्सक्राइबर्स जो है वो 189 है. और यार जल्दी से 200 सब्सक्राइबर्स करवा दो यार, काफ़ी करीब है, देख ही सकते हो. 11 सब्सक्राइबर्स और चाहिए मुझे 200 के लिए. तो यार जल्दी से करवा दो और कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरी वीडियो कैसी लगती है तुम लोगों को. ओके, तो हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच ही चुके हैं. और यार मेरे ड्राइविंग के बारे में भी थोड़ा बताना कि कैसी थी मेरी ड्राइविंग. मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि मैंने इस वैन को जो है बिना ठोके यार यहाँ तक पहुँचा दिया. ओके, मिशन पास, बक्स्टर इक्विपमेंट, स्निकी पेस्ट वगैरह वगैरह जो भी था. ओके, सो अब जो है इसके बाद हम बीजेड गैस यानी नॉकआउट गैस जो है वो भी स्टील करेंगे, चुराएंगे. तो वीडियो लोड हो जा रहे हैं, दो गेम लोड हो जाने दो यार. ओके, ऑटो सेव. ऑलराइट, सो यार ये कार मुझे ज़बरदस्त लगी, पर वो तो चल गई, पर ये वाली है तो सेव लेते हैं. बीजेड गैस करेंगे, जीपीएस मार्क कर दिया है. चलो चलते हैं जल्दी से. You got lucky, buddy. Yeah, you got lucky. तो यार जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, मेरी ड्राइविंग के बारे में ज़रूर कमेंट करके बताना. कोशिश करता हूँ मैं कि बिना ठोके गाड़ी चलाऊँ, पर कभी कभी ठुक जाती है. क्या करूँ, हम इंसान ही हैं.
गलतियाँ इंसान से होती। वेल यार, अगर अब तक इस वीडियो को देख रहे हो, यहाँ तक पहुँच चुके हो, तो प्लीज़ मेक श्योर कि यार तुमने वीडियो को लाइक कर दिया है और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। ओके, ये रही दी डेड गैस की वैन, स्टिल द ह्यूमन वैन और इट्स कार्गो। ओके, शूट ओपन द डोर्स और डिस्ट्रॉय द वैन टू गेन एक्सेस टू इट्स कार्गो। ओके भाई, जैसे कि देख सकते हो, शूट तो कर रहा हूँ मैं, बट तो ओपन नहीं हो रही यार, क्या करूँ। अब यार ड्राइवर को मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। ओ, मेरे ख्याल से मर गया क्या ड्राइवर? ओ नहीं मरा, अब तो जरूर मर जाएगा यार। ओ, अभी भी नहीं मरा साला। It's just knockout gas. Walk away. Yeah, it's just knockout gas. Human name, human. Lose the cops. Yeah, cops. Fucking cops. Okay, yeah, cops से पीछे छुड़ाना पड़ेगा। जीपीएस सेट नहीं कर सकता मैं। भाई टू क्लोज, बच गए। वाह भाई, ड्रॉप ऑफ द वैन एट द गारमेंट फैक्ट्री। भाई इतनी जल्दी तो मैंने पुलिस से पीछा कभी अपनी जिंदगी में नहीं छुड़ाया। एक चीज़ जो है ऑन बजाने से करते हैं, GTA 5 के पेडेस्ट्रियन और यू नो NPCs, वो गालियाँ बकेंगे तुम्हें अगर तुम हॉर्न बजाओगे ज़्यादा उनके सामने। ऑलमोस्ट हर बारी। ओ ज़्यादा आ गया यार, पीछे चलते हैं। ऑलराइट, नाउ वी आर हियर। यार तो काफ़ी कम टाइम में मैंने ये लो बक्स्टर इक्विपमेंट और नॉकआउट गैस एक्वायर कर लिया। तो यार अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। गुड बाय।